ये संदेश उन सब लोगों के लिए है जो या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस की इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखते हैं। वो सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, वो वॉलंटियर्स हो सकते हैं, वो प्रबुद्ध वर्ग हो सकता है जिसको लगता है कि ये लड़ाई लड़नी जरूरी है। हार से थोड़ा बहुत हतोत्साहित होना और मायूस होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मायूसी को छोड़िए और अपने हौसले को बुलंद कीजिए, क्योंकि कुछ बातें आपको याद रखनी जरूरी है। पहली बात, क्षेत्रीय दल को हराकर तेलंगाना जीतना मामूली बात नहीं है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसका जश्न मनाइए, इसको कम मत आंकिए। दूसरी बात, अगर सारे वोट गिने जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों राज्यों के वोट, कुल वोट में कांग्रेस को 10 लाख ज्यादा वोट मिले बनिस्पत भाजपा के, मतलब ज्यादा लोग हमारी बात से सहमत हैं, हमारी विचारधारा में यकीन रखते हैं। तीसरी बात, कांग्रेस को औसतन 40% वोट इन सब राज्यों में मिला है जो बीजेपी के बिल्कुल आसपास और बराबर है। और चौथी और सबसे जरूरी बात 2003 की है, जब इंडिया शाइनिंग था और ये तीन राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम हार गए थे, लेकिन 2004 में हमने अपनी सरकार बनाई थी सेंटर में। तो वक्त बदलता है और वक्त को बदलते हुए वक्त नहीं लगता है। मायूसी छोड़िए, फिर से हौसला बुलंद कीजिए, इस लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ना है। इसलिए लड़ना है क्योंकि यह लड़ाई लड़नी आसान नहीं है। मोहब्बत की बात करना आसान नहीं है, सत्य का सिपाही बनना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग आज आपको ज्ञान देंगे, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप पूरे खत्म हो गए, उनको यह आंकड़ा जरूर दिखाइएगा और बताइएगा कि नहीं, लोगों का विश्वास है जो हमें ताकत देता है और दुगुनी ताकत से लड़ने पर प्रेरित करता है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अंततोगत्वा जीत तो सत्य और साहस की ही होती है। लड़ेंगे और जीतेंगे।